Assalamualaikum all viewers, welcome back to my Subhan'Allah Rabiya Kitchen. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कपलर को पैपिंग बैग में कैसे सेट कर सकते हैं और इस कपलर को यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे तो हम कपलर के बिना भी केक को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत से फायदे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम कपलर को पैपिंग बैग के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैपिंग बैग लिया है और ये मेरे पास एक नोजल सेट है, ये सेट के अंदर ही आता है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। 6 नोजल या 12 नोजल के सेट में भी आपको कपलर मिल जाता है। तो इस कपलर को हम पैपिंग बैग में सेट करेंगे। देखिए, इस कपलर के ऊपर एक रिंग होती है, सबसे पहले हमें इसको खोलना है। ये देखिए, और अब इस रिंग को एक साइड रख देंगे और अब इसके बाद पैकिंग बैग लेंगे और अब इस कपलर को हमें पैकिंग बैग के अंदर डालना है। आप देख सकते हैं जो कपलर है वो आगे नहीं जा रहा है, ये पैपिंग बैग के अंदर यहीं पर फंस गया है। और अब क्या करेंगे, जितना हमें पैपिंग बैग को कट करना है वहाँ पर हम पेन की मदद से निशान लगा देंगे ताकि हमें पैपिंग बैग को कट करने में आसानी हो। ये देखिए, जो कपलर का टॉप है हमें वहाँ पर कट नहीं करना है, थोड़ा नीचे कट करना है, आप देख सकते हैं। तो हमें इसके बीच में निशान लगाना है, अब पेन से निशान लगा देंगे। और अब इस कपलर को हम थोड़ा पीछे कर देंगे। और ये हमने जो पेन से निशान लगाया है, कैंची से हम इसको कट कर देंगे। और अब इस कपलर को हम ऊपर कर देंगे। देखिए, अब जो ये कपलर है आप देख सकते हैं ये पैपिंग बैग से बाहर निकल गया है। और अब आगे क्या करेंगे, जो भी हमें नोजल यूज करना है वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टार नोजल ले लूंगी और अब इस नोजल को हम कपलर के ऊपर सेट कर देंगे। और अब कपलर की रिंग का हम यूज करेंगे, इस रिंग को हम नोजल के अंदर डाल देंगे और इसको फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से फिक्स कर देना है। जब आप रिंग को कपलर के ऊपर थोड़ा कसेंगे और आपको महसूस होगा कि ये टाइट हो रही है तो आपको वहीं पर रोक देना है। ये देखिए, हमारा कपलर और नोजल पैपिंग बैग में अच्छे से सेट हो चुका है। पैपिंग बैग को असेंबल करना बहुत ही आसान है। अब केक को डेकोरेट करने के लिए आपने जो भी आइसिंग तैयार की है वो पैपिंग बैग के अंदर भरकर आप केक को अच्छे से डेकोरेट कीजिए। देखिए, कपलर को और नोजल को पैपिंग बैग के अंदर कैसे सेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और अब कपलर को यूज करने के मैं आपको फायदे बताऊंगी जो हर बेकिंग बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इसका पहला और बड़ा फायदा ये है कि अगर आप एक ही कलर की आइसिंग यूज कर रहे हैं केक को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन आप उसी एक कलर की आइसिंग से अलग अलग डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप इस कपलर पैपिंग बैग की मदद से वो आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए इस पैपिंग बैग के अंदर आपकी आइसिंग है, यानी कि व्हिप क्रीम है, आपने उसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है और आप इसी आइसिंग से अलग अलग डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने स्टार नोजल यूज किया है, आपने इस स्टार नोजल से फ्लावर बना लिए हैं, लेकिन अब इसके बाद आपको दूसरा नोजल यूज करना है। मान लीजिए जो आपके फ्लावर्स हैं आपको उनकी लीव्स बनानी है, तो आप लीव्स नोजल यूज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारी रिंग है हम उसको खोल देंगे, यानी कि इसको लूज कर देंगे। और ये जो स्टार नोजल है इसको हटा देंगे और अब इसके बाद लीव नोजल लेंगे, यानी कि ये वाला, इससे हमारी बहुत ही अच्छी लीव्स बनती हैं। इसको सेट कर देंगे जैसे स्टार नोजल किया था और वापस से जो रिंग है इसको टाइट कर देंगे। अगर आप एक ही रंग की आइसिंग यूज कर रहे हैं तो आप इसको लूज करिए और अपनी मर्जी से नोजल सेट कीजिए। तो बहुत से नोजल आप ऐसे यूज कर सकते हैं एक कलर की आइसिंग में, ठीक है।
तो कपलर यूज करने का ये बहुत बड़ा फायदा है। और अब इसके बाद मैं आपको दूसरा फायदा बताऊंगी। मान लीजिए आपको पूरा केक डेकोरेट करने के लिए एक ही नोजल चाहिए, मतलब कि आपने 4 या 5 कलर की आइसिंग बनाई है लेकिन आपको नोजल सिर्फ एक ही यूज करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? मान लीजिए हम रोजेट केक बना रहे हैं या फिर आप एक ही नोजल से काफी डिजाइन बनाना जानते हैं, तो फिर से मैं यहाँ पर स्टार नोजल लूंगी और उसको सेट कर दूंगी, रिंग को टाइट कर देंगे। और अब आपको इसी एक नोजल से पूरा केक डेकोरेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको उसके लिए क्या करना होगा, इस पैकिंग बैग से अलग आपको जितनी भी कलर की आइसिंग बनानी है, मान लीजिए आपने 3 कलर की आइसिंग बनाई है, रेड ब्लू ग्रीन, जो भी आप मानना चाहे मान लें। मान लीजिए हमें सबसे पहले रेड कलर की आइसिंग यूज करनी है केक को डेकोरेट करने के लिए, तो उस आइसिंग को हम इस पैकिंग बैग में बिल्कुल नहीं डालेंगे। हमें उन तीनों कलर की आइसिंग के अलग अलग पैकिंग बैग्स बनाने हैं, यानी कि आपके जो 3 कलर की आइसिंग है रेड ब्लू ग्रीन, आपको उन्हें अलग अलग 3 पैकिंग बैग में भर लेना है। मान लीजिए ये पाइपिंग बैग है और आपने इसके अंदर रेड कलर की आइसिंग भर ली है, और आइसिंग भरने के बाद आपको इसको कट कर देना है ऊपर से, यानी कि इतना कट कर दें, 1 इंच के हिसाब से आप कट कर सकते हैं। और मान लीजिए ये आपका जो रेड पाइपिंग बैग है ये बिल्कुल तैयार है, तो क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला पाइपिंग बैग है इसको ले लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, थोड़ी सी जगह बना लेंगे इसके अंदर, और ये जो हमारी रेड कलर की जो आइसिंग पैकिंग बैग है इसको इसके अंदर फिल कर देंगे, यानी कि जो हमारा ये पैकिंग बैग होगा रेड आइसिंग का, इसको हमें इस खाली पैकिंग बैग के अंदर फिल कर देना है, यानी कि डाल देना है। तो क्या करेंगे, बस नॉर्मली जैसे हम केक को डेकोरेट करते हैं हमें इसको भी ऐसे डेकोरेट करना है। आपकी जो रेड आइसिंग का वर्क है, यानी कि जो आप डेकोरेट कर रहे हैं, आपको अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस पैकिंग बैग को बाहर निकाल देंगे। फिर आपको ब्लू आइसिंग से कुछ डेकोरेट करना है तो दूसरा पैकिंग बैग लेंगे ग्रीन या ब्लू कलर का, उसको भी सेम इस खाली पैकिंग बैग के अंदर डाल दें और डेकोरेट करना शुरू कर दें। तो बहुत ही इजी है। देखिए वैसे तो आप डबल पैकिंग बिना कपलर के भी कर सकते हैं, लेकिन कपलर के साथ ये फायदा होता है, जब आप दूसरी आइसिंग पैकिंग बैग को भरेंगे तो आप नोजल को क्लीन कर सकते हैं ताकि नोजल में पहले वाली आइसिंग ना लगी रहे। और एक बात और है, मैंने आपको जो कपलर यूज करने के जो 2 फायदे बताए हैं आप उनको एक साथ भी कर सकते हैं। आपने स्टार नोजल सेट कर लिया है और दूसरी पैकिंग बैग के अंदर रेड आइसिंग भर के आपने इसके अंदर डाल दी है, लेकिन अब इसके बाद आपको लीव बनानी है, तो आप क्या करेंगे, इस स्टार नोजल को निकाल कर लीव नोजल लगा देंगे, यानी कि सेट कर देंगे, और फिर दूसरा पैकिंग बैग यानी कि जो ग्रीन कलर की आइसिंग होगी उसको इसके अंदर फिल कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं कपलर को यूज करने से हमें ये 2 बड़े फायदे इजीली मिल जाते हैं। आपको एक ही आइसिंग से बहुत सारे डिजाइन बनाने हैं तो नोजल चेंज कीजिए आगे से, अगर एक ही नोजल से बहुत सारे कलर की आइसिंग यूज करनी है तो आप पैकिंग बैग को चेंज करते रहिए और डेकोरेट करते रहिए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी यूजफुल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर दें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।